हाँ भैया, अरे हम अभी आपको बस चारा, अरे नाराज हो गई क्या? गाय को सही तरीके से गले कैसे लगा, इसलिए इस वैसे तो 14 फरवरी पूरी दुनिया भर में वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार के दिन के रूप में मनाया जाता है। भारत में भी यह वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कई सालों से मनाया जाता रहा है, लेकिन मनाने के साथ साथ इसका विरोध भी होता रहा है। हिंदू संगठनों द्वारा लगातार इस बात का विरोध किया गया कि यह वैलेंटाइन डे का कल्चर भारतीय संस्कृति के लिए एक खतरा है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 14 फरवरी को गौ आलिंगन दिवस यानी कि काऊ हक डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। अब चूंकि पशु कल्याण बोर्ड ने किसी तरह की कोई गाइडलाइन या ट्यूटोरियल जारी नहीं किया है जिसके जरिए आप जान पाएं कि गाय को सही तरीके से गले कैसे लगाएं, इसलिए न्यूज लॉन्ड्री लेकर आया है आपके लिए एक खास ट्यूटोरियल जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि आखिर गाय को गले लगाने का सही तरीका कौन सा है, वह कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे तो 14 फरवरी को आप गौ आलिंगन दिवस सही तरीके से मना पाएंगे। इस तरह से ये आपको पहचानना स्टार्ट करती है, ऐसे नहीं कि आ गए हक कर लिए आपने। ये देखिए, इस खास ट्यूटोरियल के लिए हम मौजूद हैं नोएडा के एक गौशाला में जहां पर लोगों को गाय को गले लगाना सिखाया जाता है और उसके फायदे समझाए जाते हैं। हम यहां पर एक्सपर्ट से बात करेंगे जो लोग यहां पर गाय को गले लगाने का काम सिखाते हैं, लोगों को गले लगवाते हैं और उसके फायदे बताते हैं। पहला स्टेप तो सबसे पहले आपको चारा खिलाइए जी, गुड़ है, गुड़ दीजिए क्योंकि गुड़ इनको बेहद पसंद होता है। घरा चारा खिला के उनको दिखवाते हैं कि भाई आप थोड़ा सा देखते रहिए, इनको चारा खिलाते रहिए तो गौ माता को लगेगा कि हाँ भाई मेरे लिए कुछ कर रहा है, तब वो आपके लिए कुछ करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले आइए, कंटिन्यू, ये नहीं कह रहे हैं कि एक दिन में आइए और गले लगा लीजिए, एक दिन में कभी भी ये सक्सेस नहीं हो सकता। फिर इनको चारा लेके घूमते रहिए इनके बीच में, तो फिर चारा लेके आप घूमते रहिए तो गौ माता आपके ऊपर देखना स्टार्ट करेगा, अरे भाई हमें कुछ खाने के लिए लेके आया, फिर आप उनको दीजिए, देखे फिर आगे निकलते चले जाइए। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा दिन आप धीरे धीरे उनके पास आना जाना का वो करिए, तो अपने स्मेल से आपके एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको पता चल जाता है कि ये आके कल भी हमें खिलाया था, आज भी खिलाया है, तो आज भी आया तो कुछ खिलाने ही आया। इसके बाद जब आप वो गौ माता खा लेती है तब जाके आप उसको सहलाइए, तब सहलाना होता है। गले कब लगाना होगा? वो जब आप इनके साथ कंटिन्यू हो जाइएगा तो ऑटोमेटिक आप गले लगाइए, इनके ऊपर सो जाइए, जो चीज करना है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इस तरह से सहलाते रहिए इनको, इस तरह से सहलाना है पहले गाय को, देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से इस तरह से आप सहलाते रहिए और सहलाते सहलाते फिर उसके बाद क्या करना है भैया, इधर बोके बोलिए, धीरे 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 ये फिर वो हो गया आपको, धीरे धीरे फिर आपका लगाव बढ़ेगा। सही तरीका क्या है? ऐसे पीछे से गले कोई लगा सकता है? ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इस तरह से नहीं, आप देख लीजिए गौ माता किस तरह से वो हो रही है, इस तरह से नहीं, नहीं नहीं इस तरह से नहीं, आप आराम से इनको सहलाइए, धीरे धीरे सहलाइए आप। हाँ, मतलब सामने से ही लगाना? हाँ, सामने से लगाइए तब तो लगेगा गला। लोग पीछे से लगता है या सामने से लगता है? सामने से। तो बस सामने से लगाइए ना, कुछ लोग आते हैं फोटो खिंचाने के लिए साइड से लगा चले जाएंगे, उसको गला सहलाना थोड़ी कहेंगे, तब तो वो दिखावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को। सामने से लगाइए, साइड वाला नहीं माना जाएगा? नहीं, साइड नहीं। एक्सपर्ट राकेश ने हमें गाय को गले लगाने के कई सारे फायदे बताए, सुनिए वो फायदे क्या हैं। इससे दो फायदे तो एकदम कंफर्म है। एक तो सबसे पहले जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके आपके अंदर से समाप्त हो जाती है, और एक जो स्किन डिजीट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बीमारी के अलावा जैसे आप कह रहे थे कि जिसकी शादी वादी नहीं होती वो अगर यहाँ कुछ दिन रह जाए तो शादी हो जाती है, ये बात सही है? कि शादी जैसे कि कितने जगह से रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते टूटने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर करे क्या, तो वो अधिकतर करते यही है कि वो आते हैं गौ माता को सहलाते हैं, देखते हैं गौ माता का दर्शन करते हैं, कुछ दिन सेवा वगैरह भी करते हैं, यहाँ तक कि गोबर भी निकालना वो काम कर देते हैं,
ऐसे कहने से ये नहीं होगा कि आज ही शादी हो जाएगा, और एक दो दिन का ये प्रोसेस होता नहीं है, ये कम से कम 15 से 20 दिन कंटिन्यू कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, कभी गोबर ही उठा लिए, कभी गौ माता के लिए चारा भी लगा दिए, कि कभी जब गौ माता का धुलाई हो रहा है उस समय पानी लेके खड़े हो गए, पानी पिला दिए, तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते और वो अपने मन में जो इच्छा लेके आते हैं, कन्फर्म अपने मन में जो इच्छा लेके आते हैं कि गौ माता हमारी कम से कम वो करवा दीजिए, शादी करवा दीजिए, जो तो अधिकतर लोगों का पूरा हुआ है। राकेश ने हमें यह भी बताया कि एक और जरूरी स्टेप है जो इन तीनों स्टेप से पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। रोज अपना ये नहा के और पूजा करके आइए कि हाँ भाई हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं, गौ माता की सेवा करने जा रहे हैं। नहा धो के आदमी आए तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नए वस्त्र धारण करके आए, यूज किया हुआ कपड़ा पहन के ना आए, ये चीज़ करके आए। और जैसे गौशाला में इन करें तो सबसे पहले गौ माता की तरफ आप एक बार नज़र उठा के देखिए। तो अगर आप भी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के इस अपील पर 14 तारीख को गाय को हक करने जा रहे हैं, गौ आलिंगन दिवस मनाने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये चारों स्टेप फॉलो करना बहुत ही जरूरी होगा। इसलिए सीधे 14 को आप वैलेंटाइन डे के दिन गाय को हक करने ना जाएं, बल्कि उसके 3 दिन पहले 11 तारीख से ही अपने नज़दीकी गौशाला में जाएं, गाय को चारा और गुड़ खिलाएं, उनसे दोस्ती बढ़ाएं, ताकि 14 तारीख को गले लगाने के लिए गाय आपको कंसेंट दे दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद गाय आपको मुश्किल में डाल सकती है। बड़े ही खेद और दुख के साथ हमें आपको यह बताना पड़ रहा है कि हमने काफ़ी मेहनत से देश के तमाम गौ भक्तों के लिए यह ट्यूटोरियल वीडियो बनाया, लेकिन फिलहाल खबर यह आ रही है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 14 फरवरी को मनाए जाने वाले काऊ हक डे का फैसला वापस ले लिया है। लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि देश में जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं उसको देख कर यह लगता है कि कभी ना कभी भविष्य में आपके काम यह वीडियो ज़रूर आएगी। इसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।